राजनीति स्टंट अज तो नहीं, पिछले 74 साल तो यह जिहड़ी पार्टी भी उठती रही है वह राजनीतिक स्टंट यही खेलती रही है। जिवें कि आजादी तो पहला अंग्रेज़ों से जो कोई मंग रखता सी तो एक अद्धी मंग अंग्रेज मान लेंदे सी ते ओह आपदा लोकां ते डंडा फेर जारी रखते सी। यही काम ये राजनीतिक पार्टियां दा, जिहड़ा बंदा कोऑपरेट घराणियां नूं तुहानूं लुट के उहनां नूं दे रहा है उदों बाद एक अद्धी टॉफी तुहानूं 1000 रुपए के रूप के विच दे दे, 200-300 रुपए बिजली के जुट के रूप के विच दे दे, मैडिकल सहूलत रूप के विच दे दे। मैं नहीं मानता कि ये लोग सही तुहाडे उतरनगे वोटां ला के, इन्हां ने उस घुरदे विच कोऑपरेट घराणे दे घुरदे विच जा वड़दा है। कह रहे हैं कि वड्डी आजादी मिली है, हुण हरेक लोकतंत्र दा राज आ जी, लोकां लई वड्डियां सहूलतां दे रहे ने पार्टियां, तो यह कह रही सीएम दा पहला अनाउंस करदे ने वी साडा सीएम दा चेहरा फलाणा है, ये तो गलत है। लोकतंत्र थोड़ी है, लोकतंत्र तो यह होंदा है 117 MLA आउण, उहनां दे विचों बहुतात MLA जिहड़ी पार्टी दे होण उह अपना कोई सीएम चुणन, फिर तो आपां लोकतंत्र कह सकदे आ। ये लोकतंत्र नहीं, ये तो मारू तंत्र चल रहा है। जिहड़ी आजादी है कहिंदे ने वो आजादी का निघ, मेरी तो 65 साल की उम्र होगी और मैं बहुत राजनीतिक पार्टियां देख लिया, मैं तो लगता नहीं कोई सच बोलना आया, चाहे चन्नी आ जाए, चाहे कैप्टन आ जाए, चाहे दूजे आ जाए, जिहड़े पहला दफा किए ने लोगों ने जिन्हों बर्बाद करता बर्बाद होए पे ने वो आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, ये सारे डुप्लीकेट ने। एक सिर्फ गरंटियां लै लैके तुहाडे कोल पहुंचे, जिवें समान नहीं बेचण वाले आउंदे हुंदे वी आ लो जी साडी गरंटी है ये 5 साल बैड नहीं टुटदा, ये उस टाइप के विक्रेता ने। चन्नी साहब चलो हुण मुख्यमंत्री ने, पहला मंत्री सी उदों की करदे सीगे। तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल, मैं अमनदीप सिंह माझा। 22 नवंबर का दिन पंजाब लई अहम रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल पंजाब पहुँचे, कांग्रेस पार्टी की वड्डी रैली लुधियाना विच होई जिथे मुख्यमंत्री चन्नी ने वड्डे ऐलान किए, नवजोत सिंह सिद्धू ने वड्डे ऐलान किए, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने तो औरतों लई सरकार बनन ते 1000 रुपए पर मंथ देण दा ऐलान किया। सारियां औरतों लई, कोई जनरल कैटागरी नहीं, कोई BC कैटागरी नहीं, कि सारियां औरतों लई, औरतों पूरी खुशी का माहौल आ पंजाब च, स्टेटमेंटा भी आ रहे हैं। 22 नवंबर का दिन पूरा खासम खास रहा, राजनीति की पूरी हलचल चलती रही। सो साडे नाल इस विषय पर गलबात करन लई उगे समाज सेवक कुलवंत सिंह रोहटा मौजूद ने। रोहटा साहब, 22 नवंबर की सियासत की गल करांगे, 22 नवंबर नूं राजनीति ने बड़े धमाके करे, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ते बड़े ऐलान करते कि औरतों नूं 1000 रुपया पर मंथ दिया करांगे, किवें लगदा तुहानूं वोटां तों पहलां इह राजनीति स्टंट हो रहे ने? बिल्कुल, राजनीति स्टंट अज तो नहीं, पिछले 74 साल तो यह जिहड़ी पार्टी भी उठती रही है वह राजनीतिक स्टंट यही खेलती रही है। जिवें कि आजादी तो पहला अंग्रेज़ों से जो कोई मंग रखता सी तो एक अद्धी मंग अंग्रेज मान लेंदे सी ते ओह आपदा लोकां ते डंडा फेर जारी रखते सी। यही काम ये राजनीतिक पार्टियां दा, ये मंगां तुहाडियां मन रहे ने, तुहानूं कह रहे असीं आह राह देवांगे आह देवांगे, पर जिहड़ा इन्हां दा डंडा टैक्स है वो तुहाडे ते लागू रहना, कोऑपरेट घराणियां नाल इन्हां दी सांझ प्याली है। जिहड़ा बंदा कोऑपरेट घराणियां नूं तुहानूं लुट के उहनां नूं दे रहा है उदों बाद एक अद्धी टॉफी तुहानूं 1000 रुपए के रूप के विच दे दे, 200-300 रुपए बिजली के जुट के रूप के विच दे दे, मैडिकल सहूलत रूप के विच दे दे। मैं नहीं मानता कि ये लोग सही तुहाडे ते उतरनगे वोटां ला के, इन्हां ने उस घुरदे विच कोऑपरेट घराणे दे घुरदे विच जा वड़दा है। बिल्कुल, रोहटा साहब तुसीं गल करी आ कि पहले अंग्रेज़ एवें करदे हुंदे ते अंग्रेज़ां नूं तां वड्डियां शहादतां करके देश चों भजाया गया, हुण आजादी नहीं मिली आपां नूं, कह रहे ने कि वड्डी आजादी मिली है, हुण हरेक लोकतंत्र दा राज आ जी, लोकां लई वड्डियां सहूलतां दे रही ने पार्टियां, तां यह कह रही ने? देखो, लोकतंत्र दा राज तां हुंदा जे लोकां द्वारा चुणिया होया CM आउंदा, CM दा पहला अनाउंस करदे ने वी साडा CM दा चेहरा फलाणा है, ये तो गलत है। लोकतंत्र थोड़ी है, लोकतंत्र तो यह होंदा है 117 MLA आउण, उहनां दे विचों बहुतात MLA जिहड़ी पार्टी दे होण उह अपना कोई CM चुणन, फिर तो आपां लोकतंत्र कह सकदे आ। ये लोकतंत्र नहीं, ये तो मारू तंत्र चल रहा है। पर आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि पिछली बारी असी ने CM का चेहरा ऐलान नहीं किया तो सानू वड्डा नुकसान होया, की लगता तुहानूं भी CM का चेहरा तो पहले ऐलान करना पैंदा, पार्टियां कह रही हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। CM का चेहरा नहीं, पार्टियां अपना चोन मैनीफेस्टो है जिहड़ा, वह लॉलीपॉप देने वाला चोन मैनीफेस्टो नहीं होना चाहिए, जिहड़ा बेसिक चोन मैनीफेस्टो है जिहड़ा लोगों को जरूरत है,
लोगों हैल्थ की जरूरत है, लोगों एजुकेशन की जरूरत है, सानू साढ़े बाहर गए बच्चे वो वापस मुड़वाने की जरूरत है। उदा का चोण मैनीफेस्टो लैके आन ताकि इन लोगों राहत मिल सके। जिहड़ी आज़ादी है कहिंदे ने वो आज़ादी का निघ, मेरी तो 65 साल की उम्र होगी और मैं बहुत राजनीतिक पार्टियां देख लिया, मैं तो लगता नहीं कोई सच बोलन आया। रामू वालिया साहब आए, मनप्रीत बादल आया पार्टियां बना के, कॉमरेड आए, किनिया कॉमरेडा दिया पार्टियां ने कदे किसी ने राहत दिती। अज जे मैं लगता है जे लोग जागृत होए ने, जिहड़ा एक साल तो धरना मोदी के बरखिलाफ किसानों ने लाया, जे किसान उस सच्चे मन नाल, जिहड़े मन नाल दिल्ली धरना लाया किसानों के मजदूरों ने, उस सच्चे मन नाल 2022 नूं चुन लैन भी असी सही मायने विच किसान मजदूरों का हमायती लिया है जां कोऑपरेट कराने का हमायती लिया है। बिल्कुल, पर रोटा साहब गल जे करिए फिर किसान ने होर लोग ने वोटा किनू पाउण जी, हो रवायती पार्टियां ने सामने बीजेपी पार्टियां सारिया पार्टियां ने, फिर वोटा वाला विकल्प की आ? ये लोगों को चाहिए कि किसान जिहड़े उत्थों हुण आउणगे, जिवें कहिंदे ने भी जित गया, जे जित दी 29 तरीक नूं पता लगू भी प्रोपर जित गए, जितण तों बाद उर आ के किसान ते मजदूर ते दुकानदार जिहड़ा छोटा दुकानदार है ये रल मिल के ये मजबूर कर दूंगा किसानों नूं भी तुसी खड़े होवो, तुसी इमानदारी का सबूत हो। एक साल तो उन्होंने ठंड चली, गर्मी चली, तकलीफा चलिया, 700 मौतां हो गई, जे वो मौतां नूं असी विसर गए तो आने वाले समय के सानू फिर ऐ जूझना पेगा, फिर असी 700 होर मरवावे, फिर कितने मसले हल होणगे। इहदे नालों वधिया से साडे किसान मजदूर रल के आपदे मसले आप हल कर। यानी कि तुसी कहना चाहुंदे हो किसानों नूं अपनी पार्टी बनाउणी चाहीदी है? बिल्कुल, किसानों नूं ते मजदूरों नूं ते छोटे दुकानदारों नूं, दुकानदारों नूं, व्यापारियों नूं, इन्हां नूं रल मिल के अपनी पार्टी बनाउणी चाहीदी है, जिहड़ा उन्हां दा व्यापार का ध्यान भी रखे, किसान का ध्यान भी रखे, मजदूर का ध्यान भी रखे, तो छोटे दुकानदार का ध्यान भी रखे, ट्रांसपोर्ट का ध्यान भी रखे। अज ट्रांसपोर्ट का हाल देख लो की है, ट्रकों की कितनी लुट हो रही है, ट्रकों जना कना हाथ दे के रोक लेंदा है, लिया भी 2000 रुपया जुर्माना, कोई कसूर नहीं हुंदा, मल्लों मल्ली उन्होंने देना पैंदा बेचारे नूं। ये सारी पॉलिसियां ने जिहड़ियां इन्हां लोकां ने नहीं बनाउणियां, क्योंकि कोऑपरेट घराणियां दे इक तुसीं सुणिया इक सड़क कटी है पाकिस्तान सीधी, वह कोऑपरेट घराणियां वास्ते कटी गई है, जमीना किसानां दीआं गईआं, मजदूर उत्थे लग्या रहा, कोऑपरेट घराणियां दे वड्डे वड्डे टैंकर चलणगे सीधा हरियाणा राख नूं लैके जाणगे, जदके वह हक पंजाब दा है, पंजाब दे टैंकर चलण, पंजाब हरियाणा राख तक आपदा समान बेचे, महंगे भा समान उत्थे बेचदा है, तेल उधरों सस्ता आउंदा है, उहदा इस्तेमाल पंजाब करे ते अगे हिंदुस्तान नूं देवे। बिल्कुल, तुसीं चोण मैनीफेस्टो की गल करी है कि चोण मैनीफेस्टो लागू किया जाए, हुण आम आदमी पार्टी आ कह रही है तीजी गरंटी देण आए सी अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तीजी गरंटी दी, वो कहिंदे साडा इह चोण मैनीफेस्टो आ जो असीं कहांगे वह करके दिखावांगे, भी दूजियां पार्टियां जिहड़ी कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी नूं उन्होंने कहा भी डुप्लीकेट केजरीवाल आ, भी असल केजरीवाल तो मैं हाँ, भी डुप्लीकेट केजरीवाल के पिछे ना लग जाओ, क्योंकि भी 2-3 महीनों का यह स्टंटबाजी थी कांग्रेस की, की लगता तुहानूं? ये सारे डुप्लीकेट ने, चाहे चन्नी आ जाए, चाहे कैप्टन आ जाए, चाहे दूजे आ जाए, जिहड़े पहला दफा किए ने लोगों ने जिन्हों बर्बाद करता, बर्बाद होए पे ने वो आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, ये सारे डुप्लीकेट ने, क्योंकि इन्होंने गल फिर उही अलग आ गई ना, इन्होंने कहा असीं तुहाडा मैडिकल स्कूल देवांगे, तुहाडा एजुकेशन सुधारांगे, बेसिक जिंदगी सुधारन तो गल किसी ने नहीं की, बेसिक जिंदगी कितों सुधरूगी? बेसिक जिंदगी सुधरू किसान तो, बेसिक जिंदगी सुधरूगी मजदूर तो, बेसिक जिंदगी सुधरूगी छोटे दुकानदार तो, व्यापारी तो, इन्हां वास्ते की पॉलिसी है वो कोई पेश नहीं कर रहा, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की है वो कोई नहीं लैके आ रहा, एक सिर्फ गरंटियां लै लैके तुहाडे कोल पहुंचदे, जिवें समान नहीं बेचण वाले आउंदे हुंदे भी आ लो जी साडी गरंटी है, ये 5 साल बैड नहीं टुटदा, ये 5 साल कुर्सी नहीं टुटदी, साडी गरंटी है, 250 च दिंदे आ, 300 च दिंदे आ, दू आ जांदा मैं 200 च दिंदा, ये उस टाइप के विक्रेता ने, ये वोट खरीदते ने, साडी गरंटियां दे आधार ते वोट खरीदना चाहुंदे ने। मैं चाहुंदा कि साडे लोग हुण इन्ने स्याणे होए ने, साडियां मातावां बॉर्डर ते बह के बहुत स्याणियां होईयां ने, साडियां भैणां बहुत स्याणियां होईयां ने, वो हुण इन्हां लोकां नूं क्वेश्चन करन लग गया भी तुसीं कीता की है, इन्ने सालां च सानूं दित्ता की है, साडे मुंडे मर गए, नशा लै लो, नशे की गल की केजरीवाल साहब ने? बिल्कुल नहीं। बेअदबी का लै लो मामला, चाहे बेअदबी ग्रंथ साहब की है, चाहे बेअदबी कुरान शरीफ की है, चाहे गीता जी की है, वो बेअदबी के मामले कोई बोले?
कोई नहीं बोले। हुण धार्मिक तौर पर जे हुण भाई बड़ाला साहब उन्हें देखो लाई बैठे ना मोर्चा भी 328 सरूपां दा हिसाब दो, जे चन्नी साहब इन्ने ईमानदार होंदे तो लै देंदे हुण उह परचा दाखल कर देंदे। वैसे चरणजीत चन्नी ये कह रहे हैं कि असी बेअदबी वाला इंसाफ दबावांगे, असी सारा सिस्टम करांगे, जिन्ना समा साडे कोल असी दिन रात कम कर रहे हैं, रात नूं लोकां नूं मिल रहे हैं भी नींद भी नहीं पूरी कर रहे चन्नी साहब। तो चन्नी साहब चलो हुण मुख्यमंत्री ने, पहला मंत्री सी उदों की करदे सीगे, जिहड़े चन्नी साहब दे नाल दे पहला मंत्री सी उदों की करदे सी, उदों इन्हां बेइंसाफी बेइंसाफ आ बेअदबी लगी नहीं उन्हां नूं? पर हुण कर रहे ने, तुहानूं की लगदा? मैनूं तां नहीं लगदा, सिर्फ उही गरंटी दे रहे ने भी असीं इहदी गरंटी दिंदे आ वी इह असीं करांगे। पर जिवें मोर्चा बड़ाला साहब लाई बैठे ने इस ढंग दा मोर्चा ये लाउंदे, सारी कांग्रेस बहिंदी, केजरीवाल की पार्टी बहिंदी, दूजिआं दा बहिणा की है जिन्हां बेअदबी करवाई है, फिर असीं मन सकदे सी भी नहीं ये सुहिरद ने ये पंजाब लई कुछ करनगे। मैनूं नहीं लगता भी स्वै गरंटियां दे इन्हां कोल कुछ हैगा। जे चन्नी सरकार बेअदबी दा इंसाफ नहीं दे पाउंदी तां वोटां च किवें दे हालात होणगे? ये तो हुण लोक देखणगे भी उन्होंने आपदी आर्थिक तौर पर लुट करवानी है, धार्मिक तौर पर लुट करवानी है, तो ये पार्टियां हैगियां इन्हां नूं वोट पै लैण। जे आर्थिक तौर पर धार्मिक तौर पर लुट नहीं करवानी तो किसान अपनी पार्टी मजदूर अपनी पार्टी बनाउण ते इन्हां चीज़ों तो बच जाण। बिल्कुल जी। सो ये सन कुलवंत सिंह रोहटा समाज सेवक ने उगे ते कह रहे हैं कि जो भी पार्टियां चाहे आम आदमी पार्टी की गल करिए वड्डे वड्डे वादे हो रहे हैं, वड्डे वड्डे चोन मैनीफेस्टो हो रहे हैं भी सारी यह सिस्टमिक चोन स्टंट ने, क्योंकि चोणा लैनिया ने तां वादे किए जा रहे हैं। इन्होंने इतों तक कहा कि किसानों पार्टी बनानी चाहिए, किसान पार्टी बना, क्योंकि जिन्हें लखां च किसान धरने प्रदर्शनों पर बैठे ने वो एक होण, क्योंकि जो धरने प्रदर्शनों से एक होए से वह तो उन्होंने वड्डी जित मिली आ, जे आने वाले समय एक होणगे तो राजनीति भी वड्डी जित मिलेगी। इकबाल सिंह फगुआड़ा नाल अमनदीप सिंह माझा, पंजाबी लोक चैनल।